देश के करीब 2 करोड़ पेटीएम फास्टैग यूजर्स के लिए बुरी खबर है। अब आपको नया फास्टैग लेना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की रोड टोलिंग अथॉरिटी ने फास्टैग यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। IHMCL ने उन 32 बैंकों की सूची जारी की है जहां से यूजर्स अपने लिए फास्टैग खरीद सकते हैं। फास्टैग देने वाले बैंकों की लिस्ट से पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम हटा दिया गया है। अब जिन लोगों के पास पेटीएम फास्टैग है उन्हें उसे सरेंडर करना होगा और अधिकृत बैंकों से नए टैग को खरीदना होगा। इस खबर से पेटीएम के करीब 2 करोड़ यूजर्स के मन में बेचैनी है। पेटीएम फास्टैग इस्तेमाल कर रहे बहुत से यूजर्स काफी परेशान हैं कि उनकी सिक्योरिटी मनी का आखिर क्या होगा। नया फास्टैग लेने पर उनकी सिक्योरिटी मनी कैसे वापस मिलेगी और कैसे पेटीएम के फास्टैग को हटाकर नया टैग वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से पेटीएम के फास्टैग को हटाकर अपनी सिक्योरिटी मनी को वापस ले सकते हैं। आइए ऐसे हटाते हैं पेटीएम का फास्टैग, ये जान लेते हैं। पेटीएम का फास्टैग हटाने से पहले आपको किसी अधिकृत बैंक से नया फास्टैग लेना होगा। IHMCL ने उन 32 बैंकों की सूची जारी की है जहां से यूजर्स अपने लिए फास्टैग खरीद सकते हैं। इसमें ICICI, एक्सिस, IDFC, एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे कई ऑप्शन शामिल हैं। आपको बता दें कि नया फास्टैग लेने के बाद पेटीएम के फास्टैग को निकलवा कर आप अपने पास रख लें। अब आती है पेटीएम के फास्टैग की बारी। तो बता दें कि पेटीएम फास्टैग में कम से कम 150 रुपये रिजर्व रखने होते हैं। हालांकि कुछ यूजर्स की सिक्योरिटी मनी 250 रुपये भी है। पेटीएम के फास्टैग को बंद करने के लिए आपको 1800-120-4210 नंबर पर कॉल करना होगा। यहां आपको फास्टैग का ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद आपको पेटीएम फास्टैग को बंद करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पेटीएम की ऐप से भी आप फास्टैग को बंद करके अपनी सिक्योरिटी मनी को वापस ले सकते हैं। आप चाहें तो ऐप से फास्टैग बंद कर सकते हैं। इसके लिए पहले पेटीएम में हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। यहाँ पर फास्टैग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नीड हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर कई आपको ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। इसमें सबसे आखिर वाला एक ऑप्शन होगा क्वेरी रिलेटेड टू अपडेटिंग फास्टैग प्रोफाइल को आपको चुनना है। अब अपनी गाड़ी के नंबर को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपके वाहन की पूरी डिटेल आपको लिखकर अपने आप ही स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसके बाद यस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और क्लोज फास्टैग ऑप्शन को चुनना है। अब पेटीएम की ओर से आपसे फास्टैग को बंद करने के कारण को पूछा जाएगा कि क्या कारण है। तो फास्टैग बंद करने का ऑप्शन चुनकर आप प्रोसीड करके उसको आगे बढ़ जाएं। अब पेटीएम की ओर से एक मैसेज आएगा कि आपका फास्टैग 5 से 7 वर्किंग डेज में बंद कर दिया जाएगा। आपको फास्टैग वाहन से हटाकर उसकी फटी फोटो अपलोड करनी होगी। आपकी सिक्योरिटी मनी पेटीएम पेमेंट बैंक के वॉलेट में रिफंड हो जाएगी। इसे आप किसी भी अन्य बैंक में, दूसरे जो बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलते चलते बता दें कि नया फास्टैग लेने का क्या तरीका है। तो आप NHAI द्वारा बताए गए 32 में से किसी भी एक बैंक से फास्टैग खरीद सकते हैं। फास्टैग को आप किसी भी ऑनलाइन रिटेलर जैसे Amazon, Flipkart से खरीद सकते हैं। फोन पे पर भी ICICI बैंक का फास्टैग खरीदने का एक ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी आप सीधे ऑनलाइन इसे खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी9 का सुपर ऐप।